ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। हमारे साथ अब एक खास मेहमान जुड़े हैं। मार्केट हर निशान में इस बीट लौट चुके हैं। एक बार आपको बता दें, निफ्टी करीब 21 पॉइंट ऊपर है और सेंसेक्स 88 पॉइंट्स ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। हालांकि निफ्टी बैंक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए, अगर वो भी पार्टिसिपेट करेगा तो फिर इनफैक्ट सेंटिमेंट और सुधर सकता है। हमारे साथ अब मृणाल सिंह जुड़े हैं, CEO इनक्रेड AMC के, उनसे बात करते हैं। मृणाल जी, मॉर्निंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। इस समय बाजार जो है वो दरअसल एक, जिसे हम कहते हैं, कश्मकश में है या फिर असमंजस की स्थिति में है। एक तरफ ग्लोबल क्यूज हैं, इन्फ्लेशनरी चिंता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, हाई कमोडिटी प्राइजेज हैं। दूसरी तरफ इंडियन इकोनॉमी की एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस हमने मार्केट्स में देखा है, GDP इज रैंकिंग अप। इन सब को अगर हम इस समय कंबाइन करके देखें तो आइडियल व्यू इस समय आपका मार्केट पर क्या बन रहा है? गुड मॉर्निंग। इट्स अ बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है आपका। मेरे ख्याल से जैसा आपने बताया, ग्लोबल क्यूज थोड़ा नेगेटिव साइड में है, लेकिन लोकल या डोमेस्टिक फंडामेंटल फैक्टर्स में कहूंगा थोड़ा पॉजिटिव साइड में है। सो एज अ लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इन्वेस्टर, क्लियर बायस बाइंग का रहेगा इन डिप्स। और मेरे ख्याल से एक स्टॉक पिकर्स मार्केट है। बहुत सारे बदलाव आएंगे इकोनॉमी में अगले 2-4 साल में, और कई सारे बिजनेसेस हैं जो मेरे ख्याल से उन बदलाव को, उन डिस्ट्रप्शंस को कैप्चर करने के लिए बहुत बेटर पॉइज्ड हैं। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा समय है निवेशक के लिए। उनको ढंग से अपना काम करना चाहिए, उनको एनालाइज करने चाहिए बिजनेसेस, ये उनकी मैनेजमेंट्स क्या सोच रही हैं और किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे ले जाने के बारे में सोच रही हैं, और एक बॉटम अप सिलेक्शन के लिए बहुत ही उम्दा बाजार और माहौल है। राइट मृणाल, गुड मॉर्निंग, अजय है। मृणाल, हम अपने क्वार्टरली रिजल्ट सीजन से भी एकदम स्टार्ट होने वाला है। बाजार बहुत कीनली देख रहा है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा जो लास्ट कुछ क्वार्टर से चल रहा है। आपका इस अर्निंग सीजन से क्या एक्सपेक्टेशन है? एरियाज वेर यू एक्सपेक्ट हेल्दी अर्निंग्स, या कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे आप मैनेजमेंट कमेंट्री को ध्यान से सुनना चाहते हैं, जो आपको लगता है आगे चल के अच्छे एरियाज बन सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट देखें या सर्विसेज एक्सपोर्ट देखें तो वो डेटा ऑलरेडी अच्छा दिख रहा है। सो मेरे ख्याल से IT might continue to do well, और capital goods exports का भी अच्छा डेटा results में दिख सकता है। कुछ areas, कुछ sectors जहाँ पे खास तौर से commentary पे ध्यान दिया जाएगा वो है gross margin, जिसे कहते हैं हम, of commodity fed businesses। So let's say staples, consumer staples, FMCG कहें या paints कहें या बिल्डिंग मटेरियल्स कहें, इनके इनके रिजल्ट्स में हमको मैनेजमेंट की कमेंट्री, केमिकल्स में जहाँ पे इंटरमीडिएट्स इंपोर्ट होते हैं और वहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर रहा है, और हेल्थ केयर में हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि किस तरह की मैनेजमेंट कमेंट्री रहती है, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन काफ़ी स्टीप था पिछले क्वार्टर में। काफ़ी मैनेजमेंट्स ने आके कहा था कि रॉ मटेरियल का इन्फ्लेशन हर्ट कर रहा है अब। सो वो एक पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट चीज होगी कि आर दे एबल टू पास ऑन दी प्राइस, और उसका कोई डिमांड पे इम्पैक्ट है क्या। सो ये एक पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट चीज होगी। और कमेंट्री एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट थर्ड वेव में हम, ओमिक्रॉन वाले थर्ड वेव में हैं, तो उसका इम्पैक्ट सेल्स पे, डिफरेंट बिजनेसेस पे किस तरह का पड़ रहा है। पर्टिकुलरली कॉन्टैक्ट इंटेंसिव बिजनेसेस को मेरे ख्याल से थोड़ा दिक्कत होगी। सो वो कमेंट्री भी देखने लायक होगी, जैसे कि एंटरटेनमेंट या लीजर बिजनेस में या होटल्स बिजनेस में। सो वो भी एक कीन कमेंट्री होगी जो हमें, या ट्रैवल बिजनेस में जो हम वॉच आउट करेंगे। मॉर्निंग मृणाल, प्रियंका यर, आपने अभी अपने इसी जवाब में आपके मेरा नेक्स्ट सवाल छुपाया, क्योंकि आप डिफरेंट कॉर्पोरेट अर्निंग्स, डिफरेंट सेक्टर्स की मैनेजमेंट की कमेंट्री तो एक क्रूशल होगी जिसको हम आया आए करना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा एंटिसिपेट करना चाहिए
कि क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर इतने ज्यादा फियर्स नहीं दिख रहे हैं, ऑफ कोर्स ये वाइड स्प्रेड है लेकिन सिवियरिटी इतनी नहीं है, और शायद इंडिया में तो बात की जा रही है कि शायद फरवरी के एंड तक ये पीक भी हो जाएगा, उसके बाद आपको लगता है कि अनलॉक वाले थीम्स, होटल, ट्रेवल, लेजर, ये सारे फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं? इस थीम पर आप कैसे रिसर्च कर रहे हैं? सो गुड क्वेश्चन प्रियंका, बहुत रेलिवेंट पॉइंट है, इसको मैं एक क्लब करके कमरेला में डालूंगा, इसे कहूंगा कोविड रिकवरी बिजनेसेस। सो भले ही वो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव हो या ट्रेवल, लीजर, एंटरटेनमेंट हो, सो आपका कहना सही है कि ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट ऑल्दो अभी इतना सिवियर नहीं लग रहा है, सो एंड होपफुली थिंग्स विल रिकवर। इवन डेल्टा से भी थिंग्स रिकवर करी थी, जबकि डेल्टा का सिवियरिटी बहुत ज्यादा थी कंपेयर टू ओमिक्रॉन, एटलीस्ट द वे फॉर अ नॉन एक्सपर्ट ऑन द मेडिकल साइड जैसा हमें दिख रहा है। सो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर इंटरेस्टिंग प्राइजेस मिलेंगे उन जोन्स में, तो मेरे ख्याल से फंडामेंटल इन्वेस्टर्स, निवेशक उसके लिए उनपे निवेश करने का ऑब्वियसली एक पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे। हमारे पास भी वो कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं, और अगर हमें इंटरेस्टिंग प्राइजेस मिले तो हम उनपे और थोड़ा निवेश करने का इच्छुक हैं। जी, लेकिन ओवरऑल मृणाल एक बात बताइए, इस समय यू नो फ्रॉम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स की जो एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड कुछ हद तक बजट, हालांकि पता नहीं कितने पॉलिसी चेंजेस होंगे, बजट के बाहर ही काफ़ी अनाउंसमेंट्स आती रहती हैं, लेकिन एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इस समय आप कितने कंफर्टेबल हैं इन वैल्यूएशंस पर, एंड आई नो यू डोंट टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म, लेकिन सेंटिमेंटली आप कितने कंफर्टेबल हैं? बिकॉज जहां तक थर्ड वेव का सवाल है, काफ़ी हद तक मार्केट हैज़ टेकन इट इन इट्स स्ट्राइड, अगर हम कंपेयर करके देखें मार्केट को जब सेकेंड वेव शुरू हुआ था और उसके बाद का जो बिहेवियर था। सो ब्रॉडर वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड में है अगर हम इंडेक्स को देखें, बट आपका जो पॉइंट है, देखिए अगला मेरे ख्याल से 2 महीना काफी कैलेंडर पैक्ड है जैसे इवेंट से, जैसे मैं कहूंगा कि ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन डेट्स और शेड्यूल अनाउंस कर दिया है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन प्लेस, सो अब कोई मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट आ नहीं सकता। सो गवर्नमेंट की तरफ से कोई मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं आएंगे टिल द इलेक्शंस आर डन। वी ऑल्सो हैव कि अब बजट भी है जैन एंड में, सो बट बजट की ओवर ईयर सिग्निफिकेंस थोड़ी कम हो गई है बिकॉज मोस्ट थिंग्स, ज्यादातर चीजें अब जीएसटी काउंसिल के एम्बिट में चली गई हैं, तो खाली डायरेक्ट टैक्स का प्रावधान लार्जली बजट में रहता है, या बजट में बेसिकली ये समझ में आता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग प्रायोरिटी और रेवेन्यू एस्टिमेट्स क्या है। सो उस नजरिए से बजट एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, लेकिन लार्जली इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो जीएसटी काउंसिल के पास चला गया है, तो और वो एक अलग ही बॉडी है। सो बट इलेक्शंस लाइंड अप है, इलेक्शंस रन अप टू इलेक्शन में जनरली गवर्नमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज बिजी रहती हैं, तो कोई ज्यादा पॉलिसी साइड में कुछ होता नहीं है। बट इन द मीनवाइल मेरे ख्याल से जैसे इकोनॉमी थोड़ा रिकवर करेगी ओमिक्रॉन से, और ओमिक्रॉन के आने से पहले भी इकोनॉमी में ग्रीन शूट्स अच्छे थे, ऑल्दो ब्रॉडर वैल्यूएशन थोड़े स्टीप साइड पे हैं, बट देन मेरे ख्याल से कई सारे बिजनेसेस ऐसे अवेलेबल हैं जिनमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो जैसा कि मैंने कहा कि एक इल्यूजन क्रिएट करता है इंडेक्स, क्योंकि वो एक वेटेड एवरेज है, उसमें हैवी वेट्स हैं, उसमें स्मॉलर वेट्स हैं, बट इंडेक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है जो मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है एक इन्वेस्टर के लिए, और वहां पे काफी इंटरेस्टिंग प्राइसेस एंड बिजनेसेस अवेलेबल हैं अगर कोई निवेशक थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए निवेश करने को तैयार है। राइट मृणाल, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। सबको पता है कि 2022 में यूएस मार्केट में रेट हाइक्स आएंगे, और इंडियन मार्केट भी सेकेंड हाफ में 2022 के या गोइंग इनटू 23 स्मॉल, वेरी ग्रेजुअल, निम्बल हाइक्स देख सकता है, और इन्फ्लेशन हम देख ही रहे हैं, लेकिन क्या बाज़ार ये फैक्टर इन करके चल रहा है कि जैसे जैसे लॉजिस्टिक्स बॉटलनेक्स, सप्लाई बॉटलनेक्स वो नॉर्मलाइज होंगी, क्या ये इन्फ्लेशन भी ट्रांजिशनल हो सकता है क्या नेक्स्ट 6 से 8 महीने में, 9 महीने में? अगर ये ट्रांजिटरी है, अगर ये ट्रांजिटरी निकल गया इन्फ्लेशन, तो भी क्या ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अपना
स्टांस टाइटनिंग की तरफ रखेंगे या वो थोड़ा डिले हो सकता है? सो काफी बड़े सवाल हैं ये, मैं अपना लिमिटेड ओपिनियन उन पे देना चाहूंगा। देखिए इन्फ्लेशन आई थिंक डेटा जो नरेटिव है खास तौर से ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स का ट्रांजिशनरी से थोड़ा सा स्टिकी की तरफ मूव कर गया, ड्रिफ्ट कर गया। सो और उसी का रिजल्ट है कि अब मार्केट की एक्सपेक्टेशन 2022 कैलेंडर ईयर में कोई सा भी सेंट्रल बैंक हो, भले यूएस फेड हो या आरबीआई हो, थोड़े रेट हाइक की है। नाउ जनरली पास्ट में अगर मैं देखूं तो सेंट्रल बैंक्स रेट हाइक उस हद तक करते हैं जिससे कि ग्रोथ पे इंपैक्ट ना आए, अनलेस कि इन्फ्लेशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। सो द की टू वॉच मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन रहेगा। मेरे ख्याल से एक या दो हाइक्स मार्केट की मार्केट एब्जॉर्ब कर लेगा अगर इन्फ्लेशन डेटा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा रहा है। अगर इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा सा स्पाइरल करने लगा, सो आई थिंक मार्केट पर्टिकुलरली बॉन्ड मार्केट्स एंड फॉलोड बाय इक्विटी मार्केट्स थोड़ा सा जिटरी हो जाएंगे, और ये हम इम्पैक्ट मार्केट में जैसे यूएस टेन ईयर अगर आप देखें तो 1.8 के अराउंड होवर कर रही है, इंडिया में भी यील्ड्स थोड़ा सा ऊपर चली गई है, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बिल्ड इन है कि थोड़ा रेट हाइक होना इनेविटेबल है। तो आई थिंक वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है मार्केट में। व्हाट इज नॉट प्राइस्ड इन कि अगर इन्फ्लेशन इतना स्टबर्न रहे या ऊपर की तरफ स्पाइरल करे, होपफुली जब वर्ल्ड नॉर्मलाइज करेगा तो मेरे ख्याल से सप्लाई चेन बॉटलनेक थोड़े से हट जाएंगे और कमोडिटी इन्फ्लेशन भी नीचे आएगा। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे और ग्रोथ बनी रहे, आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट आउटकम। अगर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा तो एट सम पॉइंट मेरे ख्याल से सेंट्रल बैंकर्स और पॉलिसी मेकर्स को उस पर एक्ट करना पड़ेगा, विच मार्केट विल हैव टू रीएडजस्ट, क्योंकि मार्केट ने पास्ट में भी ये देखा है, बट वो वैल्यूएशंस रीएडजस्ट होते हैं, तो दैट वुड बी अ फेस विच विल बी मोर टर्बुलेंट। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक मार्केट एक्सपेक्टेशन और इवन पॉलिसी मेकर्स एक्सपेक्टेशन इन माई व्यू इज कि इन्फ्लेशन बाय मिड ऑफ दिस ईयर और बाय एंड ऑफ दिस ईयर शुड स्टार्ट ट्रेंडिंग डाउन होपफुली, क्योंकि सप्लाई चेन बॉटलनेक्स पर्टिकुलरली कंट्रोल में आ जाए। राइट मृणाल, एक बात बताइए आप, यू नो 2021 कैलेंडर ईयर को अगर हम देखें, जाहिर सी बात है काफ़ी बॉयंसी थी, एक बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस हमने इंडियन मार्केट्स में देखा और जो फंड फ्लोज थे वो भी बहुत अच्छे थे, खासकर जो डोमेस्टिक फ्लोज हैं वो भी बहुत अच्छे रहे। 2022 में लाइकलीहुड ज़्यादा आपको किस चीज़ का लग रहा है? ओवरऑल एक कंसोलिडेशन का जोन रहेगा मार्केट में, या फिर जो आउट परफॉर्मेंस हमने देखा नाउ बिकॉज द इकोनॉमिक रिकवरी इज ऑल्सो लुकिंग मोर सॉलिड, जो जितनी पिछले साल लग रही थी उसकी तुलना में, उसी के ऊपर गेन्स को बिल्ड करके मार्केट और आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर सकता है 2022 में? ज्यादा संभावना किसकी लग रही है आपको, कंसोलिडेशन या फिर कंटिन्यूड आउट परफॉर्मेंस? मेरे ख्याल से मार्केट लार्जली कंसोलिडेट करेगा, बट ये कहने के साथ मैं क्वालिफाई करना चाहूंगा कि कई सारे बिजनेसेस मार्केट के कंसोलिडेट करने के बावजूद मेरे ख्याल से अपर ट्रेंडिंग रहेंगे अपने शेयर प्राइस मूवमेंट में। सो मार्केट हो सकता है कि एक नॉमिनल रिटर्न, आई थिंक 2021 के बाद निवेशकों को अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करना चाहिए, बिकॉज बैक टू बैक रिटर्न्स जनरली पास्ट में अनलेस बहुत स्ट्रांग ग्रोथ तो नहीं देखी गई, और कई सारी चीजें लाइंड अप हैं जिन पे अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सो मैं कहूंगा कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा, बट कंसोलिडेट करने के साथ इट स्टिल लीव्स अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स की बॉटम अप सिलेक्शन से अपने सुपीरियर रिटर्न जनरेट कर पाए, सो वो एक क्लियर पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट हमने पास्ट में ये कंसोलिडेशन के फेसेस देखे हैं, उसमें भी अच्छे खासे रिटर्न बॉटम अप पोर्टफोलियोज एंड स्टॉक पिकिंग निकाल लेते हैं। सो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज मार्केट का कंटिन्यूअसली रन अप करना भी एक फ्रॉथ क्रिएट करता है, जो एक अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आई थिंक जो रिकवरी हमने इकोनॉमी में देखी है, मार्केट ने लास्ट ईयर उसको टू अ डिग्री प्राइस इन किया है। अगर इकोनॉमी यहां से और रैपिड रेट से ग्रो करेगी तो क्लियरली मार्केट ऑल्सो उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा, बट ऑन दी सेफर साइड मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा ब्रॉडली, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स एंड इंडिविजुअल बिजनेसेस कैन कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म।
राइट मृणाल, इंडिविजुअल बिजनेसेस और सेक्टर्स की अगर यहाँ बात करें तो जो अभी हाल ही में क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे आया है उसमें हमने देखा कि 9 मेजर सेक्टर्स हैं जहाँ पर हायरिंग बढ़ी है. उसमें सबसे ऊपर मैन्युफैक्चरिंग है, एडुकेशन है, ये सारे स्पेसेस हैं. एडुकेशन एक ऐसा स्पेस है जो जाहिर तौर पर बिकॉज सब कुछ ऑफलाइन हो चुका, ऑनलाइन हो चुका था, तो वो एक स्पेस बहुत हिट हुआ ऑफलाइन के एस्पेक्ट से. आपको लगता है अगर ग्रोथ वापस आती है तो किस तरह के ट्रेंड रिवर्सल्स आप देखते हैं आप, क्योंकि वी आर क्लोज टू अब ये पेंडेमिक भी अब एंडेमिक की तरह कन्वर्ट लिया जा रहा है बिग वॉइसेस की तरफ से, बिग एक्सपर्ट्स की तरफ से भी. तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि एडुकेशन स्पेस के लिए अगर आप इस स्पेस पर रिसर्च करते हैं तो यहाँ किस तरह की अपॉर्चुनिटीज निकल के आ सकती है? तो देखिए, मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग जैसा आपने कहा एक बहुत बड़ा स्पेस है और उस पर काफी अच्छा ट्रैक्शन है. जब हम लोग कंपनीज और मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं या अपने रिसर्च कर रहे हैं तो क्लियरली मैन्युफैक्चरिंग का अपटेक हमको सामने क्लियर दिख रहा है. आई थिंक केपेक्स रिकवरी एक बहुत बड़ा थीम बनने वाला है और काफी लंबा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहेगा वहाँ. मेरे ख्याल से फ्लैग बेयरर्स ऑफ ग्रोथ आर गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स कंपेयर टू पिछला 4-5 साल में से जो रहे हैं. और मैन्युफैक्चरिंग ब्रॉडली एज अ स्पेस विल कंटिन्यू टू डू वेल और मार्केट भी ऑब्वियसली उसको रिस्पॉन्ड करेगा. अभी एज ऑफ नाउ जो मैन्युफैक्चरिंग में हम पॉजिटिव ट्रैक्शन देख रहे हैं वो एक्सपोर्ट लेड है, बट इंक्रीमेंटली अब केपेक्स को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके कंपनीज बातें कर रही हैं और उसके कई कारण हैं, भले वो PLI हो प्लस चाइना प्लस वन हो या लो इंटरेस्ट रेट्स हो या डिमांड हो. कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे क्लियरली कैपेसिटी एक्सपेंशन की बातें हो रही, तो मैन्युफैक्चरिंग मेरे ख्याल से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है. एजुकेशन में लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है लिस्टेड स्पेस में, बट मेरे ख्याल से एजुकेशन का डेटा जो हम जो देख रहे हैं वो एक बाउंस है कंपेयर टू लास्ट ईयर जो हमने देखा था कि काफी ऑनलाइन होने की वजह से काफी रिडक्शन आया था वहां पे अपॉर्चुनिटी साइज में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी. बट एजुकेशन गिवन जो इंडिया के डेमोग्राफिक्स हैं ऑब्वियसली एक बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री है और एजुकेशन अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट, लीजर एंड हेल्थ केयर, आई थिंक ये चार ऐसे सेक्टर हैं जिसमें इंडियन हाउसहोल्ड अगले 10-15 साल में इंक्रीमेंटल एलोकेशन करेंगे. सो एजुकेशन इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग बट एक लिमिटेड वे में ही लिस्टेड स्पेस में इन्वेस्ट किया जाता है. आई वुड से कि मैन्युफैक्चरिंग में काफी स्कोप है और काफी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए और ग्रोथ काफी अपरेंट लग रही है वहां. तो ये जो कैपेक्स थीम है जो आप बता रहे हैं स्टार्ट होने वाला है इंडिया में, और हमने काफी कॉर्पोरेट से बात करते हैं हम, टेक्सटाइल्स, ऑटो एंक, सीमेंट, कहीं पे कई जगहों पे हमें ये क्लियर साइन दिख रहा है कि कैपेक्स शुरू हो रहा है, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड. आप इस कैपेक्स थीम को किस तरह से खेल रहे हैं कैपिटल गुड्स एरिया में? और मृणाल ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ ऐसे एरियाज भी हैं, कुछ ऐसी कंपनी जो सिर्फ डोमेस्टिक कैपेक्स को ही फ्यूल नहीं कर रही है बल्कि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी है उनमें, क्योंकि ग्लोबली एक कैपेक्स हो रहा है और उसको भी फीड ऑन कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्लेज या थीम्स आप अपने पोर्टफोलियो में प्ले कर रहे हैं? बिल्कुल सही. अगर आप डेटा भी देखें तो जैसे कि रिसेंटली पब्लिक डेटा आया है कि द गुड्स एक्सपोर्ट जो निर्यात है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का 300 बिलियन ऑलरेडी 9 महीने में क्रॉस कर गया है और 400 बिलियन की संभावना है कि हम इस साल 400 बिलियन का गुड्स एक्सपोर्ट रिपोर्ट कर देंगे. तो क्लियरली काफी, इनफैक्ट एज ऑफ नाउ स्ट्रॉन्गर डिमांड कैपिटल गुड्स की बाहर से ही है. सो कैपेसिटी एक्सपेंशन इंडिया में ही नहीं बाहर भी हो रहा है और कई सारे कैपिटल गुड मैन्युफैक्चरर्स इंडिया से वो सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे भी ट्रैक्शन बढ़ने लगा है, पर्टिकुलरली सीमेंट में, ऑटो में, ऑटो एंसिलरी में, केमिकल्स, API एंड कई सारे सेक्टर्स में अब क्लियर केपेक्स की बातें दिख रही हैं. इनफैक्ट ब्राउन फील्ड केपेक्स कई जगह हो भी रहा है. सो नो डाउट और हम भी अपने पोर्टफोलियोज में इसको प्ले कर रहे हैं थ्रू वेरियस नेम्स, बट देन सेक्टोरली अगर मैं कहूँ जैसे कि हर केपेक्स में भले वो किसी भी तरह का प्लांट डले कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कॉमनली लगती हैं, जैसे कि
भले वो कंप्रेसर्स हो या कंज्यूमेबल्स हो या यूटिलिटीज हो या जनरल पर्पज मशीन्स हो या फिर टूल्स हो, क्योंकि टूल रूम हर प्लांट में बनते हैं, या इरेक्शन ऑफ दी प्लांट इटसेल्फ हो. सो कई ऐसी चीजें हैं जो एक ब्रॉडर केपेक्स में, भले वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, यूज होती हैं और इनिशियल स्टेज में ही यूज होती हैं. उन सब बिजनेसेस में हमने अपना रुझान और निवेश दिखाया है, और गोइंग अहेड हो सकता है कि थोड़ा और बिजनेसेस में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं. जी बिल्कुल. ओवरऑल मृणाल, 2022 को फ्रॉम प्राइमरी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू क्या हम थोड़ा सा म्यूटेड माने कंपेयर टू लास्ट ईयर? बिकॉज लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा एक्शन था, बोयंसी थी, बहुत सारे स्टार्टअप्स या फिर न्यू एज बिजनेसेस भी आ रहे थे लिस्टिंग के लिए. अब आपका एक जेनरिक व्यू क्या है प्राइमरी मार्केट्स पर इस साल के लिए? मैं कहूंगा कि कंपेयर टू 22, देखिए, हो सकता है कि नंबर ऑफ कंपनीज हिटिंग द प्राइमरी मार्केट शायद रिड्यूस हो जाए, लेकिन क्वांटम ऑफ मनी मेरे ख्याल से हो सकता है उससे ज्यादा रेज हो जाए. अगर आप LIC को इंक्लूड करें, अगर गवर्नमेंट का क्लियर इंटेंशन है LIC को लिस्ट करने का, अगर वो LIC लिस्ट कर पाए तो आई थिंक भले ही नंबर ऑफ कंपनीज शायद कम लगे 22 से, 22 में काफी ज्यादा संख्या थी, बट हो सकता है कि क्वांटम ऑफ मनी जो जो मूल्य है पैसे का जो रेज किया जाए वो ज्यादा रहेगा. बट ऑन अ लॉन्गर होराइजन मेरे ख्याल से मार्केट बेयोंसी के साथ, हमने प्राइमरी मार्केट का एक्टिविटी बढ़ते हुए पास्ट में भी देखा है, एंड ये कोई नई बात नहीं है. मेरे ख्याल से जनरली थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड प्राइमरी मार्केट में अभी बना रहेगा फॉर सम टाइम. राइट, साथ ही जानना चाहेंगे कौन से नए या फिर डिफरेंट थीम्स हैं जिस पर आप स्टडी कर रहे हैं इस वक्त, रिसर्च कर रहे हैं, और हमारे व्यूअर्स को कुछ डायरेक्शन मिल पाए. हमने देखा कि कई सारे काउंटर्स मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में, स्पेशली अगर हम ईवी स्पेस की, ईवी सेगमेंट की बात करें, ESG सेगमेंट की बात करें, तो यहाँ पर कई सारे स्टॉक्स हैं जो सरप्राइज करते हैं. फॉर मैटर जस्ट फॉर अ रेफरेंस पॉइंट, की ग्रीव्स कॉटन, क्योंकि ई मोबिलिटी में अपने आप को एक्सपैंड करें, और हमने जिस तरह की बॉयंसी देखी है सिंगल डे में इनफैक्ट. तो ऐसे इन थीम्स पर कोई ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से भी अगर आप कोई सेक्टर्स जिन्हें स्टडी कर रहे हो. कई सारी थीम्स हैं, और जैसे कि आपने नाम लिया ESG हो या फिर इवन ईवी हो, या जो ब्रॉडर टर्म यूज किया जाता है फिनटेक हो, भले वो टेक्नोलॉजी बेस्ड लेंडिंग हो, ये तीन ब्रॉडर थीम्स हैं. और हेल्थ केयर ऑल्सो, एक्चुअली हेल्थ केयर में भी ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया जा रहा है. बट इंटरेस्टिंगली कई सारे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं इन इन तरफ, बिकॉज ट्रेंड और ऑब्जेक्टिव काफी क्लियर है. तो ईवी में पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं कि काफी सारे ट्रेडिशनल OEMs या एंसिलरीज चाह रहे हैं कि वो भी ईवी में अपना पार्टिसिपेशन किसी तौर पे बढ़ाएं, भले वो बैटरी मेकर्स हों, भले वो टू व्हीलर मेकर्स हों. वो एक ट्रेंड हम देख रहे हैं, और उसमें इंटरेस्टिंगली इवेल्युएट किया जा सकता है एंसिलरीज में कि कौन सी बेटर केपेबल हैं वो सक्सेसफुली वो ट्रांजिशन कर पाने में, अलॉन्ग विद मैनेजमेंट एंड केपेबिलिटी. ऐसा ही टेक्नोलॉजी बेस्ड लेंडिंग, जिनको जनरली फिनटेक कहा जाता है, उसमें भी काफी एक्शन है. बट ये एक्शन दोनों तरफ से है, ट्रेडिशनल बैंक्स भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, और न्यू एज NBFCs भी टेक्नोलॉजी के थ्रू कस्टमर्स रीच अपना बढ़ाने की कोशिश कर रही है. तो वो लेकिन एक काफी फ्लूइड स्पेस है. इसके अलावा एक एक स्पेस जो मैं कहूंगा, जिसपे हमने पहले भी मेंशन किया कॉन्वर्सेशन में, एंटरटेनमेंट. मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट का डेफिनेशन एकदम फ्लूइड हो गया है. आज कहा नहीं जा सकता कि IPL एंटरटेनमेंट है कि स्पोर्ट है. ऑल्सो ये क्लियर नहीं है कि आगे जाके कंज्यूमर मूवी थिएटर में जाएंगे कि घर में नेटफ्लिक्स देखेंगे कि OTT देखेंगे, या कॉम्बिनेशन रहेगा. नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट है, और मूवी थिएटर जाना लीजर एंड ट्रेवल है कि क्या है. काफी चीजें पर्टिकुलरली एंटरटेनमेंट साइड में बदलाव ले रही हैं. तो ये एक फेज है कि कंज्यूमर बिहेवियर किस तरीके का रहेगा. ऑल्सो ई कॉमर्स मेरे ख्याल से बहुत बड़ा स्पेस है,
मेरे ख्याल से आफ्टर अगर ओमिक्रॉन या कोरोना के जाने के बाद भी ई कॉमर्स ने अपने पांव जमा लिए हैं और ई कॉमर्स एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी रहेगा या कंज्यूमर बिहेवियर रहेगा, तो उसके भी लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स या रिवर्स लॉजिस्टिक्स उस तरह के प्लेयर या किस तरीके के सप्लाई चेन है वहां पे भी इंटरेस्टिंग बिजनेसेस उभर के आ रहे हैं। बेसिकली ये नए कंज्यूमर बिहेवियर्स हैं जो जो नए तरह के बिजनेस मॉडल्स को ड्राइव कर रहे हैं और अनमेट नीड ऑफ कंज्यूमर्स को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप मुझसे पूछें 3-5 साल पहले तक शायद रिटेल मॉडल इन इंडिया इटसेल्फ एक आइट्रेशन ले रहा था, वो थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है, लेकिन अभी ई कॉमर्स या डिलीवरी टू होम जैसे भी कहा जाए एक बड़ा मॉडल है। इसके अलावा टेलीकॉम भी इंटरेस्टिंग है लेकिन लार्जली कंसोलिडेटेड है। तो मैं कहूंगा ये ब्रॉडर थीम्स इज व्हाट इज ऑफ इंटरेस्ट टू अस। राइट मृणाल, बहुत ही अच्छा लगता है आपके साथ बात करने में, आधा घंटा कम पड़ता है, आपसे ऑफलाइन एक लंबी चैट करेंगे जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम मृणाल। आपने हेल्थ केयर की बात की बाय द वे, और कैसे टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हो रहा है, वहाँ भी इनोवेशन हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद आप भले शो पे नहीं रहे बट चैनल जरूर देखिएगा, क्योंकि अदर साइड ऑफ द ब्रेक हम हेल्थ केयर पे एक बड़ा डिस्कशन कर रहे हैं इकरा के हेल्थ केयर प्रैक्टिस हेड और सुदर्शन जैन जो इंडिया फार्मा अलायंस के हेड हैं और एपेक्स पार्टनर के हेल्थ केयर एडवाइजर भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे हेल्थ केयर डिस्कशन के लिए। तो कहीं मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम मृणाल। और व्यूअर्स, आप एक ब्रेक के बाद वापस आइएगा उस स्पेशल चैट के लिए।